सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के वकील सर के नाम पे खत सोनी सोरी शनिवार दिनांक 8/10/2011 को रात में दंतेवाड़े का पुराना थाना के ही बगल में एक नया थाना बना है। उसी नया थाना भवन में प्रताड़ना किया गया है। रात में मैं सोई थी, दो लेडीज़ पुलिसकर्मी मुझे उठाए हैं। मैंने पूछा क्यों जगा रहे हो, कहने लगे SP अंकित गर्ग साहब आए हैं। मुझे दूसरे रूम में ले गए। उस रूम में SP अंकित गर्ग और किरंदुल थाने का एक SDPO भी बैठा हुआ था। मुझे उस रूम में बिठाया गया, साथ में कुछ समय तक लेडीज पुलिस थे। कुछ देर बाद उन दोनों लेडीज़ को रूम से बाहर जाने को कहा और कहा कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इस बात को किसी से नहीं कहोगे, यदि ऐसा हुआ तो तुम लोग के साथ क्या कर सकता हूँ तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। वो दोनों ने कहा जी सर, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है जाओ, ऐसा कहा। फिर मानकर आरक्षक और वसंत को बुलाया, कहने लगा मानकर तुम डरना मत, मैं हूँ ना, ये मादर सोद तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। मादर सोद तुम जानना चाहोगी, ये प्लान हमने बनाया था जो कामयाब होते नज़र आ रहा है। मानकर को कहने लगे बेटा तुम बहुत ही बहादुरी का काम किया, तुमसे मैं बहुत खुश हूँ। मादर सोद मैं कौन हूँ, SP अंकित गर्ग हूँ जो पहले बीजापुर में था, अब बहुत जल्द SP से बड़ा रेंज का अधिकारी बनने वाला हूँ। टेबल बजाकर कहने लगा सब कुछ यहाँ से होता है, हम जो कहेंगे वही होगा, शासन प्रशासन सरकार यहाँ है, समझी मादर सोद। मानकर को तुम क्या बदनाम करोगे, उसे तो हम प्रमोशन मिलेगा। काफ़ी देर तक गंदी गंदी गाली देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। कई गालियों को मैंने पहले खत में जिक्र किया है, शायद आपको वो खत प्राप्त हुआ होगा। कुछ बातों को लिखकर देने को कहा, जब मैंने मना करने लगी तो कड़क बातों से दबाव डाला, फिर मैंने इनकार करने लगी तब करंट शार्ट पैर और कपड़ा में देने लगे। कुछ देर के लिए रोक दिया और कहने लगा हम जो कह रहे हैं वो करो, इसी में आपकी भलाई है, तुम बच जाओगी, समझी। हिमांशु स्वामी अग्निवेश प्रशांत भूषण कोलिन लिंगाराम कविता श्रीवास्तव मेधा पाटेकर अरुंधति राय नंदिनी सुंदर मनीष कुंजम रामा सोडी SR कंपनी के मालिक, ये सब के नाम लेटर लिख कर दो, ये सब नक्सली समर्थक है। मैं और लिंगा दिल्ली यहाँ की हर खबर देते थे जो मैं जानती हूँ। ये लोग बुलाने पर मैं दिल्ली गई थी। SR कंपनी के अधिकारी नक्सली तक रुपए पहुंचाने के लिए हमेशा मनीष कुंजम रामा सोडी और मुझे देते थे। इस तरह से हम लोग नक्सली का मदद करते थे, बहुत सारी बातें हैं। इस तरह का खत लिखने को कहा जो मैं लिखकर नहीं दी, ना ही उनके लिखा कागज पर साइन भी नहीं किया। मैंने खत लिखकर नहीं दी और ना ही उनके लिखा पर साइन किया। मदर सौद हमारे लिखित कागज में साइन कर बहुत ही दबाव डाले। मैंने कहा आप जान ले लो, पर मैं जो गुनाह की नहीं और जिन लोगों के बारे में आप कह रहे हो वो भी नहीं करूँगी। मैंने कहा इससे अच्छा मार दो। कहने लगा ये भी कर लेते पर नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें दिल्ली से अरेस्ट किया गया है। अब तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो सजा देकर ही जेल में भेजेंगे, ताकि शर्म से जेल की दीवारों में अपना सर पटक कर मर जाओगी। शिक्षित महिला हो, इतनी शर्म को तो लेकर जी नहीं पाओगी। इस तरह की बातें कही और फिर करंट शार्ट देने को कहा। करंट शार्ट देकर मेरे कपड़े को उतराया, नंगा करके खड़ा रखा। SP अंकित गर्ग कुर्सी में बैठकर हमें देख रहा था, शरीर को देख देख कर गंदी गंदी गालियां दे रहा था और बहुत बेइज्जत किया। कुछ देर बाद बाहर निकला और कुछ समय बाद फिर तीन लड़के को भेजा। वो लड़के उल्टी सीधी हरकत करने लगे और धक्का देने पर मैं गिर गई। फिर मेरे शरीर में बेदर्दी के साथ डाला गया, मैं सह नहीं पाई। बेहोशी की हालत में काफ़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को जिस रूम में सोई थी वहीं पर पाया। अब तक सुबह हो चुकी थी, रविवार दिनांक 9/10/2011। उस दिन भर दर्द को अंदर ही अंदर सहती रही, किससे कहती, वहाँ पर मेरा अपना कोई नहीं था। सोमवार दिनांक 10/10/2011 को सुबह लेडीज़ पुलिस हमें कहने लगी फ्रेश हो जाओ, तुम्हें कोर्ट ले जाना है। तब मैंने कहा मैडम मुझे चक्कर आ रहा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, कुछ देर रुक जाओ। तब कहने लगी तुम्हें जल्दी तैयार होने को बोले हैं, नहीं तो हमें गाली पड़ेगा। तब मैंने कहा एक कप चाय पिला दीजिए जिससे मैं हिम्मत तो कर सकूं। चाय पिया और धीरे धीरे बाथरूम तक गई। कुछ देर बाद चक्कर आया तो गिर गई।
मैं पहले से ही बाथरूम तक जाने के लायक नहीं थी, फिर भी दबाव डालकर बाथरूम में प्रवेश होने के लिए भेजा गया। शायद ये लोग अच्छी हालत बनाकर मुझे न्यायालय में ले जाना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। बाथरूम में गिरते ही मैं बेहोश हो गई, फिर दंतेवाड़ा थाना से निकाल कर दंतेवाड़ा अस्पताल में ले गए। काफ़ी देर बाद मुझे होश आया। होश आने के बाद दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। मैं खड़ी नहीं हो सकी और ना बिस्तर से उठ सकी, पूरी तरह घायल हालत में थी। प्रताड़ना का जिक्र किसी से उस वक्त नहीं किया, मुझे धमकी दी गई थी। फिर भी कोशिश करती रही कि मौका देखकर मेरे ऊपर किया गया प्रताड़ना के बारे में मैं बताऊं। पुलिसकर्मी तो हर पल मेरे साथ रहे। फिर मुझे दंतेवाड़ा अस्पताल से करीब 2 बजे गाड़ी के बीच में सुलाकर कोर्ट में ले जाया गया। बहुत देर तक कोर्ट न्यायालय के बाहर ही रखे, न्यायालय के अंदर नहीं ले गए। और SDOP न्यायालय के अंदर से कागजात लेकर आया और कहने लगा, इसमें साइन करो। फिर मुझे दंतेवाड़ा अस्पताल से करीब 2 बजे गाड़ी के बीच सीट में सुलाकर कोर्ट में लाया गया। बहुत देर तक कोर्ट न्यायालय के बाहर ही रखे, न्यायालय के अंदर नहीं ले गए। और SDPO न्यायालय के अंदर से कागजात लेकर आया और कहने लगा, इसमें साइन करो। मैंने कहा, सर मैं कुछ जज के सामने बयान देना चाहती हूँ। तब कहने लगा, ये सब बाद में होगा, ये सब कागजात तुम्हें जेल भेजने के लिए हैं, साइन करो। क्या करती, इससे अच्छा तो जेल जाना ही ठीक था, सोचकर साइन कर दिया। जज मैडम बगैर देखे सुने हमें जेल भेज दिया। बहुत देर बाद कोर्ट से फिर दंतेवाड़ा थाना में लाए। 2 व्यक्ति पहले से ही थाने में मौजूद थे। इतनी परेशानी होने के बाद भी वो दोनों व्यक्ति हमें पूछताछ कर रहे थे कविता श्रीवास्तव के बारे में। मैंने कहा, मेरी हालत ठीक नहीं है, इस वक्त मैं बात करने योग्य नहीं हूँ, मुझे ज़बरदस्ती ना करें। तब तक रामदेव मेरा भाई परिवार के साथ थाना आया और कहने लगा, मेरी दीदी को इधर क्यों लाए, कोर्ट ने तो जेल ले जाने की परमिशन दिया है। तब तुरंत जगदलपुर के लिए रवाना किए। जगदलपुर सेंट्रल जेल में शाम करीब 7-8 बजे पहुँचे। मेरी हालत देखकर जेल वाले ने दाखिला नहीं दिया। फिर दंतेवाड़ा का ही गार्ड हमें जगदलपुर अस्पताल में भर्ती किया, इलाज होता रहा। मंगलवार दिनांक 11/10/2011 को जगदलपुर का डॉक्टर रायपुर के लिए रेफर किया। शाम को जगदलपुर अस्पताल से करीब 10-11 बजे रायपुर के लिए निकले। रायपुर में बुधवार दिनांक 12/10/2011 सुबह पहुँचे। रायपुर अस्पताल में भर्ती किया गया, इलाज होता रहा। रायपुर का गार्ड जबरदस्ती डॉक्टर से कहकर हमें उसी दिन शाम को करीब 8-9 बजे सेंट्रल जेल रायपुर में ले आए। हमने बहुत कोशिश किया कि सर हमें तकलीफ है, इलाज होने दो, फिर भी जबरन ले आए और कहने लगे, लाल गेट को देखते ही अपने आप ठीक हो जाओगी। चलने योग्य भी नहीं थी, बड़ी तकलीफों का सामना करते हुए जेल की गेट को प्रवेश किया। स्व हस्ताक्षरित प्रार्थी श्रीमती सोनी सोरी। भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं, पुलिस के द्वारा लैंगिक हिंसा बंद करो, सोनी सोरी को रिहा करो, मानव अधिकारों का हनन बंद करो।